हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। तो गाइस, आज का ये जो लुक क्रिएट किया है मैंने, ये किया है हल्दी और मेहंदी के लिए, क्योंकि अब वेडिंग सीजन चल रहा है, तो इसीलिए मैंने लुक क्रिएट किया है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल आती है तो गाइस उसे ज़रूर हिट कर देना, और साथ में ही कमेंट ज़रूर छोड़ना। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉनसन बेबी के ऑयल से, आपके पास अगर कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं हो तो आप जॉनसन बेबी का ऑयल जो होता है बच्चों वाला, वो ले सकते हो। और दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो फेस ऑयल में, तो आप ये रात को बिल्कुल अपने फेस पर अच्छे से लगाकर सो सकते हो, और बहुत ही ज्यादा स्मूथ आपको स्किन जो है वो मिलेगी, क्योंकि ये हम बेबीज के फेस पर और उनकी बॉडी पर यूज करते हैं। आप सोच सकते हो उनकी स्किन जो होती है कितनी ज्यादा सुंदर हो जाती है, तो उसी हिसाब से हमारी स्किन भी इससे सुंदर हो सकती है, आई मीन हेल्दी हो सकती है। देन नेक्स्ट मैं यूज करी हूँ ये इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। प्राइमर हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे जितने भी ओपन पोर्स होते हैं यहाँ पर वो फिल हो जाए, और हमें एक अच्छा सा बेस मिले मेकअप करने के लिए। यूज करी हुई ये मार्स का कलर करेक्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, 150 रुपीज का मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा है। तो मेरी जितनी भी पिगमेंटेशन वाली थोड़ी जगह है तो उनपे मैं यूज करूंगी। तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं मेकअप किस पे करने वाली हूँ। मतलब वो है स्पिन्स की बीबी क्रीम, जो कि 10 रुपीज की आती है, और 10 रुपीज में आप बहुत ही अच्छा बेस बना सकते हो। मैं आपको मेकअप नहीं बोलूंगी पूरा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो 10 रुपीज का दिखा देते हैं, बट 10 रुपीज का उसमें सिर्फ एक चीज होती है। बट मैं आपको कहकर बता रही हूँ कि ये वीडियो में मैंने 10 रुपीज की बीबी क्रीम से ही मेकअप बेस तैयार किया है। तो आप देख सकते हो आगे मेकअप जो है वो ज्यादा कॉस्टली प्राइस का नहीं होगा, अफोर्डेबल प्राइस का ही होगा। तो आप देख सकते हो मैंने 10 रुपीज की जो है ये क्रीम यूज की है, और इसको हम यूज करेंगे क्योंकि इसका जो टिंटेड है वो पूरा का पूरा फाउंडेशन की जैसा है। तो आप देख सकते हो, तो ये फाउंडेशन की जैसी क्रीम है। देन मैं इसे अपने हाथ पर ले लूंगी थोड़ा सा। आप इसको डायरेक्ट ना अप्लाई करें क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। लूज पाउडर, और मैंने लिया है ब्लू हेवन का सफोरा लूज पाउडर। आप चाहे तो अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो इसमें पफ दिया हुआ है उससे लगा रही हूँ। तो अब ये मैंने सेट कर दिया है, बट हम इसे करना है डस्ट ऑफ। तो बहुत ही अच्छी कवरेज दी है इस बेबी क्रीम ने, आप देख सकते हो। देन आपको इसको पाउडर से सेट करना पड़ेगा, तब जाके ये बहुत ही अच्छा वाला जो है आपका मेकअप बेस रेडी करेगी, ठीक है। आप चाहे तो इसका ही वाला जो एक पाउडर आता है वो भी 10 रुपीज का आता है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने ये कर लिया है। देन इसको मैं फिक्स करूंगी, यूज करी हुई ये मेकअप फिक्सर, और ये है इनसाइड का मेकअप फिक्सर। तो गाइज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ये मेकअप फिक्सर। तो हमें इसे अच्छे से फिर से सेट करना है, देन आपका मेकअप बेस अच्छे से रेडी होगा, तो आपका मेकअप जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं फिल कर रही हूँ आईब्रो, और आईब्रो यूज करने के लिए आप कहोगे कितना पुराना हो गया है, बट मुझे अच्छा लगता है ये आईब्रो फिल करने के लिए। मैं लेती हूँ ये SFR का पैलेट है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये। तो आई मेकअप के लिए यूज कर रही हूँ फर्स्ट मैं ये स्विस ब्यूटी का आईशैडो पैलेट, देन इसमें से मैं ये मैट शेड लूंगी पहले। तो मैं अपने आईलिड पे यूज करी हूँ ये मैबलिन का फिटमे कंसीलर, जिससे मैं अपनी थोड़ी सी कट क्रीज करूंगी। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं या फिर फिंगर की हेल्प से कर सकते हैं। मैंने बिगर ब्रश लिया है, आपको छोटा ही ब्रश लेना है क्योंकि आपसे मैसी हो सकता है इसीलिए। और फिर मैं ले रही हूँ ये SFR का आईशेडो पैलेट, जो कि है फ्लावर शो आईशेडो पैलेट। इसमें से ग्रीन शेड लेकर मैं अपने जहाँ पर मैंने कंसीलर का यूज़ किया है वहाँ पर मैंने लगाया है। और फिर मैं उसी पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ ये रानी कलर का शेड। तो मैंने जहाँ पर कॉर्नर पर मेहरून शेड लगाया था उसी पर मैं हल्का सा डैप करके लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन फिर मैं लॉशेस का यूज़ करूँगी।
और आप देख सकते हो लैशेस के बाद आंखें बहुत ही प्यारी लगनी है। और लाइनर के लिए मैं ले रही हूँ ये हिलारी रोना का लाइनर, और थोड़ी सी बीच में जो है आवाज मैंने म्यूट कर दी थी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, इसीलिए तो मेरा आई मेकअप जो है वो कम्प्लीट हो गया है। कॉन्टोर के लिए मैं ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट जो। ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ ये SFR का ब्लश पैलेट जो कि बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है और अफोर्डेबल है, 150 रुपीज का आपको इजीली मिल जाएगा, किसी भी मार्केट से या फिर किसी भी शॉप से आप ले सकते हो। और नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ बेला वॉस्टिक का काजल, और फिर मैंने यूज किया है ये इंकसाइट का मेकअप फिक्सर क्योंकि अच्छे से गाइज ये वाटर प्रूफ मेकअप बेस तैयार हुआ है। मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया नहीं है बट ये वाटर प्रूफ ही है बिल्कुल ही। और उसके बाद मैं यूज करी हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर जिसे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे यूज करूंगी, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। और ये है बॉसम ग्लो हाईलाइटर, तो इससे भी आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल और अच्छा है। और नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये NYB प्राइमर मैट लिपस्टिक जो मेरी फेवरेट शेड्स है, मेरे पास 4 शेड्स है, मैं इसका सिंगल रिव्यू भी कर चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर देखिएगा। और ये है मेरा फाइनल लुक, थोड़ा सा मैंने रेडी होते हुए भी वीडियो बना दिया है, मांग टीका पहना है मैंने फ्लावर वाला क्योंकि हल्दी और मेहंदी का लुक है तो ऐसी ज्वेलरी पहनना बनता है। और गाइज ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक अचीव हुआ है। रात दीवानी मैं सर्द सितारा और तेरे संग यारा कुछ रंग। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 500 के अंदर अंदर के सारे प्रोडक्ट हैं और 10 रुपीज से स्टार्टिंग है। ये लुक मेरा बहुत ही प्यारा अचीव हुआ है, आप देख सकते हो तो बहुत ही प्यारा है। मेहंदी हल्दी के लिए आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के साथ। पसंद आए तो प्लीज आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अब आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे। तो गाइज इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरी यहाँ पर शो हो रही होगी, एक बार जाके जरूर देखिए, मैं वहां पर रील्स बनाती हूँ तो आप जरूर जाके देखिए और फॉलो कर सकते हो। तो मैं बहुत ही जल्दी एक गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ अपना, जो कि मैंने किया था गिव अवे, अगर जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, वैसे कमेंट तो नहीं करते हो आप मुझे पता है, बट जो भी मुझे कमेंट करता है वो मुझे मैंने विनर जो है वो चुन लिया है, और कौन सा है तो मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो जरूर देखिए, और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बहुत सारी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।